वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। जनरल हु जो राजा से मिलने आते हैं और राजा से कहते हैं कि प्रिंसेस को आखिर एक चीफ कैसे धमकी दे सकते हैं। अगर आप इस बारे में चीफ को कोई पनिशमेंट नहीं देंगे तो तब राजा कहते हैं कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। जनरल हु कहते हैं अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप वे भी कर सकते हैं, और ये बोलते हुए वे वहाँ से चले जाते हैं। पर जाते जाते उनके चेहरे पर एक शैतानी हंसी होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि राजा उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं अभी। और अब चीफ के घर में राजा की तरफ से एक एडिक आता है जिसमें लिखा होता है कि प्रिंसेस सुई को फुगी ने धमकी दिया है और उन पर तलवार भी रखी है, तो जिसके कारण उसे फुगी को मौत की सजा मिलेगी। और उस पर जियो वहाँ सभी से कहती है कि फुगी ने मेरी जान बचाने के लिए किया है, नहीं तो प्रिंसेस मुझे मार देती। पर अभी कैंग को कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। वे कैंग से बोलती हैं कि फुगी के लिए खड़े हों और उनके लिए कुछ बोलें, और फुगी जियो को बस यही कहते हैं कि मैंने अब तक चीफ का ध्यान रखा है, अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, मेरे जाने के बाद तुम चीफ का ध्यान रखोगी। और वे लोग फुगी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जियो कैंग से कहती रहती है कि फुगी को वो ना ले जाने दिया जाए, उसकी कोई गलती नहीं थी। पर कैंग राजा से मिलने आते हैं, तब राजा बता रहे होते हैं कि ड्यूक ऑफ डिफेंसर जल्दी वापस आने वाले हैं, इसीलिए मैंने प्रिंसेस सुई के साथ अपनी शादी ब्रेक करने का प्लान कर रहा हूँ कि एम मौके पर ये सब कुछ हो और किसी को कोई कानो कारण खबर ना हो कि किसके कारण ये सब हुआ है। क्योंकि जो तुमने एविडेंस गैदर किए होंगे जनरल हु के तरफ से, उनके खिलाफ, तो उसको भी सेफ रखना ज़रूरी है और उसको जल्द से जल्द पूरा करना होगा, वे सब एविडेंस इकट्ठा करना होगा। और तुम्हारे आगे का क्या प्लान है। तब कैंग बोलते हैं कि मैंने पहले ही जांच पड़ताल कर लिया है, जनरल हु को उनके पोस्ट से हटाने के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत इकट्ठा हैं, पर उसके लिए फुगी को वापस लाना होगा। राजा कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग वही प्लान पर आगे बढ़ेंगे और इसीलिए फुगी को वापस लाना होगा। कैंग कहते हैं कि वे मेरा वफादार आदमी है और वे मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे अपने चलते मौत के मुंह में गिरा दूं, और हम लोग उस पर बिलीव भी कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं यहाँ से कैपिटल छोड़ के जा रहा हूँ और यहाँ पर आपको सब कुछ देखना होगा। राजा कहते हैं अगर हम एविडेंस को खोज भी लेते हैं तो भी फुगी डेथ पेनल्टी से बच नहीं पाएगा। कैंग कहते हैं आप इसकी चिंता ना करें, मैं इस बारे में संभाल लूँगा सब कुछ। और इधर जियो चीफ के पास आती है और कहती है कैंग तुम आखिर कर क्या रहे हो, तुमको फुगी को बचाना चाहिए ना, तो तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो, वे तुम्हें इतने टाइम से सर्व कर रहा था तो तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, वे तो अपना ड्यूटी निभा रहा था ना जो तुमने उससे कहा था, नहीं तो वे कभी प्रिंसेस के खिलाफ जाता भी नहीं। क्या तुमको उस पर तरस नहीं आ रहा है, वे तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है। तो कैंग कहते हैं तरस, ये तरस क्या होता है, मुझे किसी से भी सिंपैथी नहीं है, समझिए। जियो कहती है ठीक है, पर जब आप क्या करते हैं कि जब मैं वहाँ पर फुगी की जगह होती तब भी आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। कैंग पूछते हैं जियो क्या तुम और फुगी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो कुछ दिनों में। जियो कहती है फुगी जो वो भी मेरे साथ करता था, मुझे चिढ़कारता था जैसा भी था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे मरते हुए देखूं, वो जैसा भी था मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मेरे लिए ये हमेशा खड़ा रहता था। फिर कैंग कहते हैं वे तुम्हारे लिए इसलिए खड़ा रहता था क्योंकि मैंने ही उसे ऑर्डर दिया था, भले ही। कैंग कहते हैं क्या लगता है तुमको, इतना आसान है ये सब कुछ करना, उसे बचाना इतना आसान है, जिसने भी रॉयल फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की है वे आज तक कभी नहीं बच पाया है।
और ये सब के पीछे, उसे बचाने के पीछे बहुत लोग भी मर सकते हैं। तुमको क्या लगता है, एक इंसान को बचाने के लिए मैं और भी लोगों का मौत का बलि बना दूँ? इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बेवजह के, गलती की वजह से मर जाते हैं। तुमको क्या लगता है, वे सबको ये अचानक से ये सब सज़ा मिलती है? नहीं, उन लोग की कोई भी गलती नहीं होती, फिर भी उन्हें सज़ा मिल जाती है और उन्हें मार दिया जाता है। और तुम मत भूलो कि तुम मेरी एक नौकर हो, यहाँ पर काम कर रही ही हो, और तुम्हारी कोई जगह नहीं है मुझे बताने की कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जियो कहती है कि मैं आपसे बस कोई चीज़ मांग नहीं रही हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ कि बस आप जो फुगी को बचा लें। कैंग कहते हैं कि वे मेरा नौकर है, ना कि तुम्हारे कोई फ्रेंड। उसने तुम्हें बचाया क्योंकि उसे भी मैंने ही ऑर्डर दिया था, ये मत भूलो। और ये बोल के वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर जियो के पास एक नौकर आते हैं और जियो को बताते हैं कि फुगी को जो 7 दिन बाद मारने का ऑर्डर दिया गया था, वे कल ही प्रोसेस हो जाएगा और उन्हें कल ही मार दिया जाएगा। तो जियो कहती है ये कैसे हो सकता है, पर तभी उसे प्रिंसेस का कहा हुआ बात याद आता है कि तुम मेरे पास बहुत जल्द आओगी। तो फिर उसके बाद वे उसे बचाने के लिए, फुगी को बचाने के लिए वे प्रिंसेस के यहाँ जाती हैं और उनके गेट पर और बहुत देर से नॉक कर रही होती हैं। फिर जाके प्रिंसेस आती हैं और कहती हैं कि ये तुम मेरे घर आई हो इतना जल्दी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे आने में टाइम लगेगा, पर तुम तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत पहले आ गई हो। और जियो उनके सामने घुटने पर बैठ जाती है और प्रिंसेस से भीख मारने लगती है कि आप प्लीज़ फुगी को बचा ले। तब प्रिंसेस कहती हैं चीफ की फेवरेट हो तुम, मेरे सामने ऐसा मत करो नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और फिर उसके बाद अंदर हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ अभी भी जियो प्रिंसेस के सामने घुटने टेक कर बैठी हुई होती हैं और प्रिंसेस उनके सामने एटीट्यूड में बैठ कर और उनसे बोल रही होती हैं कि अगर तुमको उसे बचाना है तो ये कुछ मेरा कहना हुआ तुम कहना करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। और ये जो घर में रह रही है प्रिंसेस, वे ड्यूक ऑफ डिफेंसर का ही घर है। जियो फिर प्रिंसेस से कहती है कि मैं आपकी टारगेट हूँ ना, तो प्लीज़ आप फुगी को जाने दे प्रिंसेस। प्रिंसेस कहती हैं कि मैंने तो ये नहीं सोचा था कि तुम अपने एक दोस्त के लिए मेरे पास ऐसे इस तरह से भीख मांग रही होगी। मुझे तो लगा कि तुम गैंग के सामने बोलोगी और वे तुम्हारी तो बात ऐसे चुटकियों में मान जाएगा ना, वो तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी रहता है। लगता है गैंग तुम में अपना इंटरेस्ट लगता है छोड़ दिया है, इसलिए तुम मेरे पास आई हो। फिर जियो को प्रिंसेस को बोलती है कि जो आप सोच रही हैं वे गलत है, क्योंकि मैंने कभी भी चीफ को इस नज़र से नहीं देखा, वे सिर्फ मेरे एक गॉड फादर हैं। फिर प्रिंसेस कहती है लेकिन तुम्हारे गॉड फादर की नज़रों में तो ये नहीं लगता है कि तुम उसकी बस गॉड सन हो, मुझे तो जो दिख रहा है मैं भी वही तुमसे कह रही हूँ ना, कुछ नहीं बोलती है। और प्रिंसेस अपने इशारों में ही जियो को अपना जूता पहनाने के लिए बोल रही होती हैं और फिर जियो वैसा ही कर रही होती है, पर और साथ ही भीख मांग रही होती है कि फुगी को बचा लें प्रिंसेस। प्रिंसेस कहती है मैंने इसके बारे में सोचा है, पर तुमको उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, उन दोनों में से तुम एक चूज़ कर सकती हो और वैसा ही होगा उसके बाद। पहला ऑप्शन ये है कि तुमको मैं कुछ पैसे दे दूंगी और तुमको यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा और गैंग के सामने तुम कभी भी वापस नहीं आओगी। पर जियो सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लेती है बिना सुने। फिर प्रिंसेस सेकंड ऑप्शन बताती हैं, तुमको ना जितना देर अगर तुम यार्ड में नील डाउन यानी घुटने टेक कर तुम रहोगी, उतना दिन मैं फुगी का जान बख्शने का सोचूंगी या उसे बचाने का। फिर जियो उसके लिए मान जाती है और प्रिंसेस को थैंक यू बोलती है। फिर प्रिंसेस भी मान जाती है, पर जियो के चेहरे पर एक दुख वाली हंसी होती है। फिर बाहर जियो बर्फीली यार्ड में होती हैं और गैंग बाहर होते हैं और वे बहुत सारे लोगों से लड़ रहे होते हैं, पर फुगी तो बाहर निकल कर और गैंग का मिशन पूरा कर रहे होते हैं जो कि था
और जनरल हु को रंगे हाथ पकड़ने का। और फिर वे कुछ समय बाद वे वापस जेल में चले जाते हैं। पर और यहाँ जियो अभी भी वे बर्फीले यार्ड में होती है और कैंग अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और वे फाइट में जीत भी चुके होते हैं। और यहाँ राजा के पास भी खबर आ चुका होता है कि उनका प्लान फाइनली सक्सेस हुआ है और फूगी को कैंग बाहर निकालते हैं। और तभी वहाँ सेवक जो थे होते हैं वे फूगी को लेकर जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद फूगी पूछते हैं कि जियो नहीं आई मुझे लेने। फिर उसके बाद वे सेवक बताते हैं कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको बताया नहीं पहले, पर ये आपको बचाने के चक्कर में वे प्रिंसेस के पास भीख मांगने गई थी कि आपको बचा ले। और ये सुन के वे कैंग वहाँ से चले जाते हैं। और थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ तक ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग वेट करें, वे जल्द ही वापस आ जाएगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इससे पहले वाला का पार्ट का वीडियो देखना है तो वे आपको चैनल पर मिल जाएगा। और लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट का पॉपअप भी कर रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।